अभी हम लोग हैं गांव ऐबतपुर जिला हिसार में, और उड़ान का एक कारण है भाई कि आप लोग मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे होगे, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐबतपुर, जो आसपास का एरिया में कसुत्ता फेमस हो रहा है। उरे की छोरी प्लस टू में पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर आई है, और साथ में आज 10वीं का रिजल्ट आया है। 10वीं भी में भी दो तीन पोजीशन है इस स्कूल की। और इस यू स्कूल है जो एक छोटा सा गाँव है ऐबतपुर, खेड़ी चोपटा के पास ही लगता गाँव, और मतलब नाम मात्र फीस में यू स्कूल चलाया जा रहा है। और पूरा स्टाफ तक मिलांगे, जो स्कूल के इंचार्ज हैं उनते मिलांगे, बातचीत करांगे कि आप लोग नाम मात्र फीस में हरियाणा में पोजीशन लेकर आने लग रहे हैं, एक बड़ी बात है। तो स्टाफ से ही बातचीत करेंगे। यू स्कूल आप लोगों ने दिखने लग रहे होगा स्कूल, और जो इनकी विचारधारा है उसको लेकर भी बातचीत करांगे कि किस तरह की विचारधारा है। बात करांगे आज की एजुकेशन, बात करांगे बच्चों में संस्कार, नैतिक शिक्षा, और जो मूल कर्तव्य होने चाहिए अपने उन पर भी बातचीत होगी। तो यू स्कूल है, स्कूल का प्रांगण है, और अंदर है जो स्टाफ बैठे हैं, इंचार्ज बैठे हैं, और साथ में वह गुड़िया भी है मोहिनी, मतलब जो दूसरे नंबर आई है प्लस टू में पूरे हरियाणा में। तो मेरे साथ स्कूल के इंचार्ज सतपाल आर्या जी, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को विद्यालय परिवार की ओर से अभिवादन, और आपका वेलकम स्कूल में पहुंचने पर स्वागत। सतपाल जी, क्या कहना चाहोगे? एक छोटा सा गांव है ऐबतपुर, ना तो कोई बड़ा शहर है पास में, ना हाईवे गुजरदा, उसके बाद ही स्टेट में पोजीशन लेके आने लग रहे हो। सर, शहर और गांव में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, न तो है प्रतिभाओं का अंतर, और मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं अधिक हैं, बस उनको आवश्यकता है ऐसा वातावरण देने की जिसमें वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। मेरा विद्यालय केवल वातावरण प्रोवाइड करवाता है ऐसा जिसमें प्रतिभा अपना जो है ना प्रतिभा को दिखा पाए। तो उसी क्रम में जो बेटी की सेकंड पोजीशन बोर्ड में आई है, उसी क्रम में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। विद्यालय का जो वातावरण है वो बहुत ही अनुशासनात्मक है, और यहाँ का जो वातावरण है वो बच्चों को पुरुषार्थ का संस्कार पैदा करता है, बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़ता है, और शिक्षा के महत्व को बताता है कि शिक्षा पढ़ने से जीवन में क्या बदलाव आएंगे, और हमारा भविष्य से शिक्षा से लाभ क्या है, या हमारे भविष्य का निर्माण शिक्षा से कैसे होता है, उन सब से ये वाकिफ हैं, और बचपन से ही ये चीज़ें इनको स्कूल में सिखाई जाती हैं। जैसे आप नाम मात्र फीस ले रहे हो, लेकिन और स्कूलों में क्या है, एक मतलब बिजनेस बन गया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया स्कूल, अंग्रेजी के नाम पे मोटी फीस वसूली जाओ, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दो चीज़ें, शिक्षा और मेडिकल कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं और शिक्षा, इन के ऊपर व्यावसायिकता का रूप धारण कर लिया आज, जो समाज के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। हमने आर्य समाज की विचारधारा को अपनाया है, फॉलो किया है, और उसके कारण से विचार था कि हम व्यावसायिक ना बने, हमारे आजीविका बेशक हो लेकिन व्यावसायिकता का रूप नहीं है। सामान्य फीस में, जैसे मैं आपको बताऊं कि नर्सरी क्लास की केवल मात्र 9 से 10 हज़ार रुपये खर्च है पूरे वर्ष का, और 10+2 की कहूँ तो मैं करीब 20 से 21 हज़ार रुपये ही मात्र खर्च है, और आगे भी विचार नहीं है कि हमको इसको व्यावसायिकता का रूप धारण करें। हमारा विचार है कि यहाँ एजुकेशन की सुविधाएँ अधिक नहीं थी, जैसे गाँव में प्राइमरी स्कूल था, बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, इसलिए हमने सोचा कि कुछ शिक्षा क्षेत्र में हमने कुछ करने की आवश्यकता है। तो ग्रामीणों का और शिक्षाविद लोगों का बहुत हमें सहयोग मिला, उस सहयोग के कारण से ही आज जो कुछ हो रहा है, चाहे वो संस्था के रूप में या स्कूल के रूप में या जो कुछ भी रिजल्ट आ रहे हैं, सब उसका ही कारण है। तो आगे भविष्य में हमारा विचार यही है कि हम इसको समाज की सेवा के भाव से अधिक और अपनी आजीविका के हिसाब से कम रखें, ये मन में विचार है आगे भी भविष्य में भी। देखो, शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या कहना चाहोगे? मतलब कि कोई भी MBBS करने के बाद भी या फिर MA BSc करने के बाद भी क्राइम करते हैं, कहीं ना कहीं अपने जो संस्कारों की कमी है, नैतिक शिक्षा की कमी है। जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, शिक्षा का प्रथम जो उद्देश्य है वो मानवता का निर्माण करना है। यदि शिक्षा से संस्कार प्राप्त ना हुए तो शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। सेकेंडरी है, दूसरा स्थान आता है कि रोजगार परक भी होनी चाहिए। अब हमारा जो शिक्षा नीति है उसमें रोजगार हमारे करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस है,
कहीं ना कहीं संस्कार की जो शिक्षा है उसकी कमी रह जाती है। जैसे हम पुराने समय में जाएं, श्री कृष्ण का ज़माना था, चाहे श्री राम का ज़माना था, चाहे के गुरुकुलों का ज़माना था, वहाँ व्यक्तित्व निर्माण पर ज़्यादा बल दिया जाता, जोर दिया जाता था। आजीविका जब व्यक्तित्व अच्छा चरित्र निर्माण हो जाता है या व्यक्तित्व अच्छा है तो मैं नहीं रखता कि रोजगार की कोई समस्या है। और आने वाले समय में या वर्तमान समय में रोजगार इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मानवता और संस्कार एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। हम देख रहे हैं कि समाज में युवा भी नशों की तरफ भाग रहे हैं या दुर्व्यसनों की तरफ भाग रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि स्कूल्स में अच्छे संस्कारों की शिक्षा का बहुत घना अभाव है। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की, स्कूल्स ने कह लो या विद्यालयों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, जिसमें संस्कार प्राथमिकता पहले स्थान पर रहने चाहिए, जिससे मानवता का या अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो पाए। देखो, नाम मात्र फीस में स्कूल चलाना है, परेशानी तो बहुत आई होगी आपके सामने। सर, बहुत बड़ा संघर्ष है और वो चुनौती स्वीकार भी है। उसमें एक बात से रिलीफ मिलती है विशेष रूप से कि परमात्मा ने इसी ड्यूटी के लिए भेजा है और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें। और भी देखा कि लोग करोड़ों रुपए जोड़ लेते, इकट्ठे कर लेते हैं अनावश्यक संसाधनों से, लेकिन चैन नहीं मिलता है। अनेक ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एक न्यूज़ में थी कि पैकेज तो 58 लाख रुपए, लेकिन खुशी नहीं है। 25 साल का युवा ये बात कर रहा है, इसका मतलब जीवन को नहीं समझ पाया। रोबोट की तरह से उसकी शिक्षा हो गई, मशीन की तरह से काम कर रहा है। वो जो पैसा है वो कोई काम आने वाला नहीं है। पैसा जब आएगा, जब आपकी जीवन शैली अच्छी होगी, आपके जीवन का बिहेव अच्छा होगा, आपके जीवन जीने की जो शैली होगी वो उत्तम होगी, अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा विचार है होगा, उसमें सामाजिकता भी आती है, उसमें परिवार के प्रति अपने कर्तव्य भी आते हैं, उसमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य आते हैं। सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम अपनी ड्यूटी को करते हैं, तभी जो है ना, हमें एक शांति में कह सकते हो या सुखद और शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण करने वाला जीवन मान लेंगे कि भाई शिक्षा है तो शिक्षाविद है तो इसके अंदर ये गुण मौजूद हैं। अभी ये आपके स्कूल में कितना बड़ा स्टाफ है और कितने बच्चे हैं? करीब 36 का स्टाफ है जी, 35 से 36 बच्चे हैं, 650 और 700 के बीच में हैं। रेशो है लगभग 25 बच्चों की ही रेशो है, 25 से ज़्यादा मैक्सिमम 30 होंगे। जिस क्लास में सेक्शन एक है उसमें 30 होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं। और उसका भी रीज़न था, जैसे कोरोना में देखा हमने, बच्चे आए तो पढ़ाई में काफ़ी कमजोरी आ गई, तो उस पर विचार किया कि अब क्या करें। तो उस विचार में आके बच्चों की संख्या घटाई जाए, जैसे बच्चों की रेशो पहले ज़्यादा थी, तो अब 2 साल हो गए लगभग उस समय को, उस कमी को भी हमने दूर किया और अब उसमें देखा कि रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। तो हम उसी पैटर्न, उसी पद्धति पर काम कर रहे हैं लगातार कि बच्चे जो ना ग्रोथ करें, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े। और वो चीज़ जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें कहीं भी शहर वाली चीज़ मतलब कोई ऐसी नहीं आती कि भाई शहर और गांव में कोई अंतर है। यहाँ की प्रतिभाएं रिजल्ट उनका प्रमाणित कर रहा है, जैसे कि ग्रामीण बच्चे कम नहीं हैं। लेकिन पता है क्या, अपने एक विचार है बन रहा है कि गांव के बजाय शहर में पढ़ाओ बच्चों ने, जल्दी कामयाब होंगे। वो आज का ज़माना क्या है जी, डेकोरेट पैकेज बोलते हैं कई बार, कि पैकेज अच्छा हो। वो पैकेज से आज की जो चकाचौंध है उसमें व्यक्ति गुमराह हो जाता है, समझ नहीं पाता। मैं सत्य बताता हूँ, एक हमारे मित्र हैं CA, कई बार डिस्कस हो जाती है। उन्होंने बताया कि सर आपको बताऊँ, हमें भी ये पता नहीं है किस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, मतलब वास्तविकताओं से परे हैं। ये पता नहीं लग पाता इस चकाचौंध में कि पढ़ाई वाला या गुणवत्ता परक शिक्षा वाला स्कूल है कौन सा। ये चुनौती एक पढ़े लिखे माँ बाप के सामने है, पढ़े लिखे माता पिता के पास है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बात हो रही है जी। नमस्ते जी, कम सुना है थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? वजीर सिंह। वजीर सिंह, हाँ जी। आप भी साथ में उत्तर? हाँ जी, हम दो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए साथ में हो? हाँ जी। अच्छा, स्कूल चला रहे हो? हाँ जी, इसी दोनों इसी गांव से, एक ही परिवार से हैं। एक ही परिवार से? हाँ जी। मतलब आप क्या कहना चाहोगे, बच्चों में कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि नैतिक शिक्षा की कमी है, संस्कारों की कमी है ये आज तो के टाइम में? ये तो हम देख रहे हैं, समाज जैसा दिखाई देता है, समाज शिक्षा है बहुत ही, जो हम देख रहे हैं आज कल का जो माहौल है, ये जहाँ संगत जो बच्चों बिगड़ती है, जितने बच्चे अपनी संगत में बिगड़ते हैं स्कूलों में भी हमने देखा है। ये नहीं है कि सभी स्कूलों को सुधार दें, स्कूलों के भरोसे छोड़ देते हैं माँ बाप, नौकरी पैसा करते हैं,
और फिर भी बिगड़ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। स्कूलों में भी नहीं सुधरते, इसका इलाज पूरे ज़ोर शोर से उनके संस्कार, इस पर ज़्यादा विचार करना चाहिए, कैसे बच्चे सुधरें, उनके संस्कार कैसे अच्छे हों। जी सर, आप बोलिए थोड़ा। सर क्या कहना चाहोगे, मतलब नाम मात्र फीस में स्कूल चलाए जा रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, मतलब आज जो आधुनिक टाइम चल रहे हैं नहीं, और जो थोड़ी फीस में हर मतलब अपने बच्चे ने पढ़ा सके है, वह सुविधा अपना गाँव मिल रही है। और शिक्षा को एक मतलब बच्चे का मतलब विकास करने के लिए है, ये नहीं कि मतलब सीधा हूँ पढ़ावा उसने भाई किताबी ज्ञान दे दिया, किताबी ज्ञान से अटके शिक्षा दे जा रही है। किताबी ज्ञान एक सीमित दायरा में रहा है, लेकिन आप ऑलराउंडर जो ज्ञान लोगे, सामाजिक ज्ञान है, वो आपको आगे बढ़ावा है। हर मोड़ पर आप व्यक्तित्व की ज़रूरत है हमें, और वहाँ इस स्कूल के अंदर जो मूल्य है, आज इतने मूल्य गिर रहे हैं, दिखावा है, लेकिन मूल्य नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आज देखे हर चीज़ में लत हो रहे हैं। तो इस शिक्षा के साथ में संस्कारों का बहुत महत्व है। संस्कार नहीं है तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। आप चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले जाएं, अगर आप इतने बड़े हो जाते हैं, अगर आप किसी की बुजुर्ग आदमी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी जीव को नहीं देख सकते, उसके साथ को निकल जाते हो, शिक्षा का आपका कोई महत्व नहीं। आपका मतलब संवेदन, अपने अंदर संवेदन होना बहुत ज़रूरी है। पत्थर नहीं होना चाहिए इंसान ने, शिक्षा को ऐसी होनी चाहिए भाई आप सबकी समस्या को समझे, या अपने अपने सीमित नहीं रखे भाई मैं पढ़ रहा हूँ और मैं हूँ। इसलिए शिक्षा में आपकी गुड़िया जो है दूसरे नंबर आई है पूरे हरियाणा में, स्टार्टिंग से उरे जी नर्सरी से छोटा पौधा अपना जी उरे तैयार रही हो, मास्टर जी के चरणों में यहीं से हर दो क्लास के अंदर फर्स्ट आई है। हर प्रतिभा में इसने मतलब योग प्रथम स्थान प्राप्त कराया, चाहे साइंस की हो, निम्न की हो, तो मास्टर जी पूरी मेहनत कराओ हैं प्रति, वही बात है कि नहीं स्कूल से अटकल जाते हैं, बस स्कूल किताब भी है, लेकिन और वहाँ पर प्रतियोगिता भी है, कहीं कहीं गाँव में दूर दूर जाते हैं और प्रथम स्थान करिए ओल्ड की भी और मोनी भी। ये चीज़ मतलब सबसे बड़ी बात पढ़ेगा यही मतलब जी, बच्चे का सारा सामाजिक विकास करना ऑलराउंडर, ये नहीं किताब पढ़ाई आप घर तक सीमित होने जी। गुड़िया मतलब किताबों के अलावा, सर आऊँगा आपके पास भी, किताबों के अलावा और क्या क्या सीखने को मिला स्कूल में? सर यहाँ हर सप्ताह युद्ध का कार्यक्रम करते हैं, सर ने सिखाया है, और जैसे एक कार्यक्रम होता है आपका दृष्टिकोण, बच्चे के व्यू जाने जाते हैं उसमें, और प्रतिभा निर्माण कार्यक्रम में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी कारण हमारे स्कूल की पोजिशन अच्छी आती है हर एग्जाम में। सर क्या बोल रहे थे? मैं मतलब एकेडमिक के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान होना ज़रूरी है। मैं एकेडमिक को मानूँ, एकेडमिक छोटा सा है पार्ट है। जैसे मैं अपने विद्यालय की बताऊं कि जब 9th और 10th बैठी थी, इन्हें विचार किया था कि 3 साल के अंदर बोर्ड की ऊपर के वाले 3 पोजीशन में हमारा स्थान आ जाना चाहिए। दूसरे ही साल एक बेटी ने बोर्ड में 10th क्लास में 3rd पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद लगातार टॉप 10 में हर साल बच्चे रहते हैं। मैं इस साल में जैसे 10th में बताऊँ, 493 नंबर लेकर के 6ठा स्थान प्राप्त किया है बेटी ने, जो कल ही परिणाम आया है, मतलब 10वीं क्लास में, कल वाला परिणाम में ही। और 492 लेकर के 7वां रैंक लिया है एक बेटी ने। पहली बेटी का नाम तन्वी था 493 वाले का, दूसरी बेटी का नाम 492 वाले का नाम था कोमल, और एक बेटी ने 489 मतलब उसका स्थान है टॉप 10, उसका 10वां रैंक है, वो बेटी है निकिता। तीनों ने ही मतलब टॉप 10 में स्थान बनाया है, और बच्चों की संख्या है टोटल 44। तो इसमें भी लगभग आप मानो कि 3 बच्चे 44 एवरेज में 3 बच्चे जो ना उसमें टॉप 10 में आते हैं, और इनका 1/3 है 90 अबो, मतलब 90% से 1/3 भाग है वो 90% से ऊपर है, 50% 80% है जिसको बोर्ड मेरिट गिनता है, वो आधे बच्चे जो ना 80% से ऊपर होते हैं। लगभग यही रेसे हर साल रहती है, इसमें 2-4 नंबर ऊपर आ जाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आ जाते हैं हम, और 1-2 नंबर घट जाता है हम 5वें पर 6ठे पर 7वें पर, अक्सर जो ना यही रिजल्ट रहता है। लेकिन हमारा विशेष रूप से उस पर ज़्यादा रहता है भाई, संस्कार और व्यवहार वो साथ में रहने चाहिए। अकेडमिक आ जाएगी, अकेडमिक के परिणाम उसके साथ में लग रहे हैं, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ और बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आज के समय की ज़रूरत है, जैसे हमें जो आज पूरी दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब डेली प्रोवाइड करते रहते हैं साथ समय समय के साथ, उससे क्या होती है अवेयरनेस बढ़ती है, बच्चे की थिंकिंग भी बढ़ती है। अक्सर होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में है क्या कि बच्चे की इतनी ऊंची लेवल नहीं बढ़ पाता थिंकिंग का, लेकिन आज कुछ तो सोशल मीडिया को मैं मानूंगा जो आप लोग जुटे हुए हैं वो लोगों के बच्चों में भी थिंकिंग पैदा कर रही है कि ऊंचे विचार कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, मैं भी देश का राष्ट्रपति बनूं, मैं भी एक MBBS डॉक्टर बनूं, और मैं भी DCIS बन सकता हूं, मैं भी IPS बन सकती हूं।
ये विचार थिंकिंग से ही पैदा होता है। पहले ये सोच जो ना पैदा नहीं हो पाती थी, आज ये संस्कार के रूप में पनप रही है। सोशल मीडिया का इसका रोल है और हम विद्यालय में इसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं कि बेटा पहले गोल डिसाइड कर लें। टेंथ से पहले पहले तो हर बच्चे पर फोकस रहता है, गोल डिसाइड कर लें। टेंथ के बाद तो आपका एक कदम भी दूसरी दिशा में नहीं जाना चाहिए, आपकी जो एनर्जी है उसी दिशा में बढ़नी चाहिए जिस दिशा में आपको जाना है। और बहुत से बच्चे जो ना, जैसे आप देखोगे डी यूनिवर्सिटी है, पी यूनिवर्सिटी है, जे एन यूनिवर्सिटी है, पीएचडी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे उच्च शिक्षा में जो है ना पहुंचे हुए हैं, तो हमें मतलब संतुष्टि है। अपने स्कूल के पास आउट बच्चे, जैसे सब इंस्पेक्टर है, एक बच्चा एसडीओ है, हाँ एसडीओ भी है, और एक बेटी वेयर हाउस में हाँ सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर गई है, अपने बिना किसी सिफारिश के, अपने ही बल पर, पढ़ाई के बल पर ही गई है। और एक बच्चा जेएनयू में अभी पीएचडी करने लग रहा है, हाँ अपने स्कूल का। दो बच्चे डीयू में एमएससी करने लग रही हैं, एक बेटी तो दोनों को 5,000 रुपये 6 साल तक जो हमारा भारत सरकार प्रौद्योगिकी विभाग है वो 5,000 रुपये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब उन्होंने 10+2 से शुरू की थी और एमएससी तक रहेगी। तो उनमें एक बच्ची तो जो है ना उसमें जो है कैंपस है डीयू का, उसमें एमएससी कर रही केमिस्ट्री, और एक बच्चा मैथ की एमएससी कर रहा वहीं डीयू में। जब इसमें रेशो में जो है ना एक दो बच्चा ड्यूल डिग्री जिसका इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें अक्सर जो है ना स्थान आ जाता है बच्चों का, एक दो बच्चे का हर साल ही, मतलब ये रूटीन में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मिलकर आप लोगों का अच्छा लगा। तो भाई यो स्कूल था क्या ये, इसीलिए गया सर जी, मैं आपने जी मिलाऊंगे अपने स्कूल में देखो। बिल्कुल, तो भाई अच्छा लगा, मतलब इस स्कूल से भी मिलकर है और परिवार से भी मिलकर है, और यह गुड़िया है भाई जो दूसरा नंबर आई है पूरे हरियाणा में। तो इस आप लोगों ने विचार कैसे लगे मास्टर जी यहाँ के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।